So here we will start the first lecture of circular motion. The name itself suggests what? A particle revolving in a circle. अभी आप कोई मैसेज मेरे को नहीं करेंगे, ठीक है? थैंक यू दीपांशु, क्योंकि एक बार मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो फिर मेरे को डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको मैसेज पढ़ूंगा तो फिर लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन। वेरी गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक सर्कुलर मोशन। इसका सीधा सा एक फंडा है, देखो क्या कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट है और इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डिस्टेंस पे, इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, तो आप इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलोगे? द ऑब्जेक्ट इज अंडर द सर्कुलर मोशन। मतलब कि दिस इज अ फिक्स पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। हर एक पॉइंट पे आप चाहे इसको फर्स्ट वन पॉइंट मान लो, फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लो सेकंड पॉइंट, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट पहुंच गया, फिर आप इसको मान लो कोई भी थर्ड पॉइंट, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, फिर एक फोर्थ पॉइंट ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक तो ये तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट हैविंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो फिक्स्ड डिस्टेंस पे फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब ये ट्रेवल करेगा तो डेफिनेटली ये कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे आप देखना ये डायग्राम तो चलो ठीक है, v वेलोसिटी है मान लो हर एक पॉइंट पे v, तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? अगर मैं बोलूं हर जगह पे इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? योर आंसर शुड बी यस। मैग्नीट्यूड चेंज होना, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी बात मैं वेलोसिटी के बारे में अगर आपको बताऊं, अगर एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव इट्स मैग्नीट्यूड, इट विल हैव इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इट विल हैव इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नाउ वेलोसिटी के लिए अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी इसको वेक्टर कह सकते हो आप, डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक वेक्टर कह सकते हैं। मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, ओके? इट मींस व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी टेकन हियर। कुछ खास बात नहीं है इससे रिलेटेड अभी यहाँ पे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सर्कुलर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे सर्कल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे ऑपरेटर से, तो आई वुड लाइक टू हैव अ शेप, मैं भी एक सर्कुलर सा शेप ले लेता हूँ, ये ले, ठीक है? अभी कोई भी ऑब्जेक्ट इस पेरिमीटर पे मान लो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, इसके पास वेलोसिटी है v, तो ये जो ओरिजिन है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां से एक रेडियली आउटवर्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा इसे कहा जाता है क्या? दिस इज कॉल्ड रेडियल, रेडियल वेक्टर। इसे क्या कहेंगे? रेडियल वेक्टर। और v को क्या कहते हैं हम? इसको कहा जाता है वेलोसिटी वेक्टर। तो ये ऑब्जेक्ट इसके पेरिमीटर पे किसी भी पॉइंट पे हो, लाइक मान लो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर रेडियल वेक्टर को ड्रॉ करो, और रेडियल वेक्टर को अगर आप ड्रॉ करोगे रेडियली आउटवर्ड एक कोई भी पॉइंट को डायरेक्ट मीट करा दोगे सेंटर से, तो ये आ गया फिर से रेडियल वेक्टर और ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर।
फिर आप कोई भी और पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेडियल वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, और वेलोसिटी किधर को होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाता है. ओके, सो इन ऑल दिस थ्री केसेस व्हाट यू सी द कॉमन थिंग, कॉमन चीजें आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, ये एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड रेडियल वेक्टर, ये आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री. द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड रेडियल वेक्टर इज 90 डिग्री. इसका मतलब ऑन अ सर्कुलर, फॉर अ सर्कुलर मोशन, फॉर अ सर्कुलर मोशन अगर मैं ऐसा कहूं कि R एक रेडियल वेक्टर है, इफ R इज अ रेडियल वेक्टर, तो ये हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग अलग रहेगा. देख लो आप सर्कल के हर एक पॉइंट पे हैज डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट, हैज डिफरेंट डायरेक्शंस, हैज डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट पॉइंट्स. और यहाँ पे v एक वेलोसिटी वेक्टर है, v इज अ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ये हमेशा क्या रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, इट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर ट्रैक, जो भी सर्कुलर ट्रैक है उस पे टेंजेंशियल आपको दिखेगा. यहाँ पे देख लो हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है ये वेलोसिटी वेक्टर. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पिछले डायग्राम में देखो हर एक पॉइंट पे आपको रेडियल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच कितना एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का. और आपको पता है ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब एक द रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर एक से अच्छा होगा कि हम एज लिखते हैं, जैसा कि रेडियल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट ऑन द ट्रैक, ऑन द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक ऑब्वियसली, देन so we can say the vector r, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो आप इसका क्या रिलेशन लिखते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो इनके, और क्या हो जाता है इसका पंक्ति, रिजल्ट r dot v becomes z. Two vectors perpendicular to each other, it means their dot product will be equal to zero. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे अभी तक का, कि सर्कुलर मोशन में रेडियल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे हमेशा तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और आपको मैं आगे बताऊंगा ये पॉइंट्स. मैंने थोड़े से यहाँ पे अपने क्लास नोट्स का फोटो खींच लिया है एक दो पेज का, आप देख लो, ये आपको नोट करना है अपने नोट्स को बनाने में. वेन अ पार्टिकल मूव्स विद सम स्पीड, स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ओके, विदाउट वेक्टर, स्पीड बोलने का मतलब क्या है, विदाउट डायरेक्शन. ओके, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद सम स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विदाउट चेंजिंग द प्लेन ऑफ मोशन, देन वी से दैट द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट जो भी मैंने समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ वेक्टर अलोंग द रेडियस इज डिफाइंड एज द रेडियस वेक्टर, या फिर इसी को रेडियल वेक्टर भी कहा जाता है. ओके, रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज वेक्टर आर, एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज वेक्टर बी वी, then we can say that r dot v is equal to c.
आर और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, हियर आर एंड बी ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन बोले तो अगर ये इस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आर क्या होगा, इसी प्लेन में इसके किसी भी पॉइंट का रेडियस वेक्टर, किसी भी पॉइंट का, और वेलोसिटी भी क्या होगा, इसी 2D प्लेन में आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आर और बी हमेशा क्या रहता है, एक ही प्लेन में होंगे। नंबर फोर, डायरेक्शन ऑफ आर एंड बी कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। आप देख सकते हो यहाँ पे आर का वेक्टर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कोई और पॉइंट ले लो ये वाला पॉइंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया और सिमिलरली आपको रेडियल वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज मिल जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो देख चुके हैं उसको यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, आपको इसको फॉलो करना है। द फिफ्थ पॉइंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट। जैसा कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो इस केस में प्लीज आप अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए। ओके, आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू। सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और हर पॉइंट पे जो भी इसकी वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्शन तो चेंज होगा, डायरेक्शन को आप नहीं रोक सकते, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। हर पॉइंट पे मान लो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कि स्पीड अगर पार्टिकल का सेम है, वी वी वी, ओके, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को कहा जाता है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो इस पॉइंट को पढ़ते जरा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट देन द सर्कुलर मोशन परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आखिरी पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, आपने इस बेसिक से कॉन्सेप्ट का, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मॉड ऑफ वी इज नॉट कॉन्स्टेंट देन द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लाइक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो कैसा हो जाएगा ये, नॉन यूनिफॉर्म के लिए मतलब हमारे पास जो मान लो अब ऑब्जेक्ट कोई दूसरा है जो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1, यहाँ पहुंचते वेलोसिटी हो गया v2, यहाँ पहुंचा वेलोसिटी हो गया v3, यहाँ पहुंच गया वेलोसिटी हो गया v4, और ऐसा कहा गया कि ये जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे इसकी मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कॉन्स्टेंट इज नॉट सेम, दैट इज इफ मॉड ऑफ v1 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ v3 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ v4, मतलब किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी वैरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड इज वैरिंग। ओके, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ, इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गया, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, आप बस ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं इन दिस नोट्स, इस पॉइंट को एक एक करके नोट करना अपने नोटबुक में जब मैं PDF भेजूँ तो, और समझने का प्रयास करना, है ना, बहुत आसान से पॉइंट्स है। अभी कुछ भी हमने सर्कुलर के बारे में
डिफिकल्ट तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, और आपको जैसा कि पता है कि डिफिकल्ट कभी हम डिस्कस करते ही नहीं है, हर चीज को आसान बना लेते हैं हम। सो नेक्स्ट सब हेडिंग सर्कुलर मोशन का ये क्या था, इंट्रोडक्शन। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, सिंपल इंट्रोडक्शन। नाउ वी सी द फ्यू पैरामीटर, ओके, फ्यू पैरामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन। पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसा कि पहला पैरामीटर अपन देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैं आपको इनिशियल पहले या दूसरे लेक्चर में यूनिट्स डायमेंशन में ये चीजें डिफाइन किया हुआ था मैंने, फिर भी एक बार यहाँ पे अच्छे से मैं करता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ओके, इस ट्रैक पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। अभी ये किसी इनिशियल पॉइंट ए पे था, ओके, और अभी थोड़े टाइम में ये अपना पोजीशन चेंज करके पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, पॉइंट बी पे कुछ इस तरीके से इसकी वेलोसिटी है। तो ये जो ए से लेकर के बी तक मूव करने में इसमें सेंटर पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मान लेते हैं, ये फ्रेम किया, दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ट्रेवल किया इस ट्रैक पे, ए से लेकर के बी तक आया, और इस ट्रेवलिंग में जितना एंगल इसने बनाया एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, इसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ सपोज ऐसा है कि पाथ लेंथ, लेट द पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से लेकर के पाथ लेंथ इसका बी तक एस है और रेडियस इस सर्कुलर पाथ का मान लो मैं आर ले लेता हूं, गिवन होगा जो कि, तो थीटा कैसे डिफाइन होगा, थीटा इज डिफाइन, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को पता होगा थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ या पाथ का लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सो हियर थीटा विल बी रिटन एज, आर्क लेंथ कितना है एस और रेडियस आर, ठीक है, और इस थीटा का यूनिट हो जाता है, क्या हो जाता है यूनिट, रेडियन। थीटा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन, और इसके इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में, क्योंकि ये रेशियो है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ का रेशियो है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जब भी कोई भी क्वांटिटी जो है सेम क्वांटिटी का रेशियो डिफाइन हो रहा हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डिफाइंड थीटा, ओके, थीटा को हमेशा मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। सी द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, थीटा को हम किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में, और आपको पता होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वन रेडियन को आप पावर में सी भी लिख सकते हैं, ठीक है,
वन रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री, और यू कैन राइट व्हाट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से थीटा का मेजरमेंट आप देख सकते हो। तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा इसके लिए, जो कि अभी हम थोड़े टाइम में डिफाइन करेंगे इसको, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डायरेक्शन भी होगा कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम लेते हैं। तो यहां देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय is defined by right hand thumb rule। मैं अभी इसको लिख रहा हूं, आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा, राइट हैंड थंब रूल। थीटा के डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से। दिस इज अलोंग द एक्सियल वेक्टर। ये भी लाइन मैं अभी आपको डिफाइन करता हूं थोड़े टाइम में। दिस इज अलोंग द एक्सियल वेक्टर, एक्सियल AXIAL, एक्सियल वेक्टर। तो थीटा के लिए इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम? तो राइट हैंड थंब रूल, और ये अलोंग द एक्सियल वेक्टर मेजर होता है। इस रूल पे मैं वापस आऊंगा। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए थर्ड पॉइंट को देखिए यहाँ पे। एक कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक। मान लो ये अभी इनिशियली किसी ए पॉइंट पे है, ए पे, और इसको बी पे पहुंचना है, बी पे पहुंच गया, और जो डिस्प्लेस होना है एंगल, ए और बी के बीच का एंगल अल्फा दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, नॉट थर्ड, दिस वन विल बी द फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या है कि ए से लेकर के बी तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखोगे? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू अल्फा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग प्लस अल्फा। अगर मैं उल्टा बोलूं कि B से A आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप थीटा को क्या लिखोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस अल्फा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं और डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। तो अभी के बाद आपको ये याद रखना है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्टार करके लिख रहा हूँ, कि कभी भी एंगल का जो मेजरमेंट होता है, एंगल मेजरमेंट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इफ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल का मेजरमेंट होता है पॉजिटिव, एंड इफ द एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट कम्स एज नेगेटिव। अब आप इन दो पॉइंट्स पे आओ, ए से लेके बी तक, ए से मुझे बी तक जाना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, इसीलिए मैंने एंगल को यहाँ रखा है प्लस अल्फा, और बी से लेके ए तक आऊंगा तो मुझे क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को माइनस अल्फा माना है। अब मान लो कि पार्टिकल जो है ए से चला, पूरा राउंड लगा के ए पे आया, और फिर इसके बाद कहाँ पहुंचा? बी पे। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिखो गया? एक बार पूरा ए से लेकर के ए तक आने में कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 पाई, और ए से लेके बी तक प्लस अल्फा,
ये पूरा का पूरा जर्नी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, 2π + α। ओके, 2π का मतलब आपको पता है 360 डिग्री। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि मैंने डायरेक्शन ऑफ थीटा के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट का नाम यहाँ पे लिखा है। द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। समझते हैं राइट हैंड थंब रूल को, चलो मैं अगले ही पेज में करता हूँ। इसको समझ लेना, थोड़ा बड़ा ही आसान है। ओके, राइट हैंड थंब रूल, बहुत आसान है ये। अभी मैं एक मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा एक दो बेसिक से मैं डायरेक्शन यहाँ पे आपको बता दूं। जब क्रॉस लिखा हो ना, तो क्रॉस एक डायरेक्शन को डिफाइन करता है, जो कि क्या होता है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। क्रॉस को एनसर्कल कर दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, और डॉट को अगर एनसर्कल कर दूं होता है कि प्लेन से बाहर, आपकी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो एक क्रॉस डायरेक्शन होता है और एक डॉट डायरेक्शन होता है। क्रॉस क्या हो गया, इनटू द प्लेन, और डॉट हो गया आउट ऑफ द प्लेन। अभी यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल बोला मैंने, ठीक है। अब क्या करो, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा मैं अभी पहले केस में अज्यूम कर, ठीक। और दूसरे केस में मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। दिस इज द केस सेकंड। ये दो केस है। अब इनमें मुझे क्या बताना है, थीटा का डायरेक्शन। हम किस लिए राइट हैंड थंब रूल स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ थीटा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन ऑफ थीटा आपको यहाँ पे मैंने लिखा था, आई विल शो यू द पॉइंट सो दैट यू कैन कनेक्ट। डायरेक्शन ऑफ आर एंड वी कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ओके, इससे मतलब नहीं है, मैं ध्यान ये वाला पॉइंट, इसमें क्या लिखा है मैंने, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, दिस इज अलोंग द एक्सियल वेक्टर। देखो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। और किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के लिए, है ना, अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कल। जो भी सर्कल है उसका एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, हमेशा सेंटर से पास करता है, लाइक ये। अगर इस प्लेन में अलोंग द एक्सिस की बात करूं तो ये क्रॉस हो सकता है, या फिर थीटा का डायरेक्शन क्या हो सकता है, सेंटर पे अलोंग द एक्सिस मतलब आपकी तरफ या आपसे दूर, ये हो सकता है। आप इसका फ्रंट व्यू अगर यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ करो, ये है आपका सर्कुलर लूप, है ना, और ये एक लाइन है जो कि इसकी एक्सिस से पास कर रहा है। तो ये जो एक्सिस का डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सियल डायरेक्शन। ओके, इसके सेंटर से पास करेगा लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो जो एक्सिस का डायरेक्शन होगा या तो इनटू द प्लेन होगा लाइक क्रॉस, या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉक। अब देखिए क्या है राइट हैंड थंब रूल, आपको क्या करना है समझो इस बात को। आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है कि वेलोसिटी जो है, कर्ल द फिंगर्स, curl the fingers of right hand along the sense of along the sense of movement
सेंस ऑफ मूवमेंट बोले तो या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने फिंगर को कर्ल करिए सेंस ऑफ मूवमेंट के अलावा, सेंस बोले तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ थीटा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ थीटा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ थीटा। देखना यहाँ पे कंफ्लिक्ट थोड़ा सा है। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, थीटा भी आपको दिखेगा, या तो ये थीटा यहाँ से इधर की तरफ हो रहा है या इधर की तरफ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका डायरेक्शन हम किधर को बताते हैं, एक्सेल एक्सिस के अलावा। एक्सिस के अलावा बताने के लिए क्या करेंगे, हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और हम क्या देखना चाहेंगे कि थंब का डायरेक्शन क्या है। जैसे राइट हैंड का फिंगर आप कर्ल करो अलोंग द वेलोसिटी, कर्ल करना जरा खुद के स्क्रीन पे ट्राई करो, यू विल गेट कि थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ आने वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द प्लेयर, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। अब आप इस केस में देख लो, वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे आपका थंब देखना अंदर की तरफ होगा, जो कि क्या आ गया, इनटू द प्लेन। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी अपने को रास्ते में मिलने वाले हैं। ओके, तो अभी एक सेकंड वेट करना आप लोग, वेट फॉर अ सेकंड। तो यहां से आप डायरेक्शंस को समझ सकते हो, फिंगर को कर्ल करना है और थंब का डायरेक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, थीटा के डायरेक्शन को। कहीं भी आपको ये लाइन लिखा हो ना, कई जगह रिपीट होगा, क्लास 12th में तो हर जगह रिपीट होने वाला ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो फिंगर को कर्ल करना है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है वो थंब के एडवांसमेंट का डायरेक्शन होगा, और क्रॉस एनसर्कल्ड क्रॉस को क्या बोलते हैं, इनटू द प्लेन डायरेक्शन, और डॉट को आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन। ओके, सो वन सेकंड।